आदर्श विद्यालय विरंडानगर कैंप वन भिलाई प्रबंधन द्वारा बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और वर्तमान में वैश्विक समस्याओं को दर्शाते हुए चित्रकारी की। आज बच्चे भी ये जानते हैं कि विश्व में किस तरह की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इन्हीं को दर्शाते हुए सरस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित की गई चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर पेंटिंग्स बनाई। बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग में बाल अपराध, महिला अपराध, भ्रूण हत्या, नसबंदी, पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य कई गंभीर विषयों पर अपने विवेक से चित्रकारी की गई। इस कला को देखकर अतिथि भी दंग रह गए और कहने लगे कि वैश्विक समस्याओं को यह बच्चे भी बखूबी समझते हैं और इसका हल भी यह जानते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों द्वारा बनाई जा रही चित्रकला को भी देखा और उनका हौसला बढ़ाया एवं अपने उद्बोधन में स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा इस चित्रकला प्रतियोगिता के उद्देश्य को न्यूज टीम से साझा किया गया। निश्चित रूप से संस्था के प्रमुख, सारस विद्यालय संस्था के प्रमुख श्री कालिदास जी का ये कार्यक्रम मैं देख के अभिभूत हुआ और यहाँ के बच्चों का जो ड्राइंग पेंटिंग में जो इंटरेस्ट देखा वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और जिस तरह की छोटे बच्चे इस तरह करते हैं निश्चित रूप से ये हमारे लिए खासकर कैंप टू एरिया के बच्चों के लिए मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आगे अपनी प्रतिभा और दिखा सकेंगे? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि यही बच्चे आगे जाके होनहार होंगे और खासकर हायर सेकेंडरी स्कूल में जाने के बाद इनका कला में और उभार आएगा 100% ये मैं विश्वास करता हूँ। आज हम लोग गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में ड्राइंग कंपटीशन बच्चों के बीच में करवाए जो कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के बीच में हुआ, इसी उद्देश्य से कि बच्चों का भविष्य ड्राइंग के प्रति रुचि बढ़े और हमारे आने वाले भविष्य में उनका भविष्य उज्ज्वल हो, यही सोच के साथ आज कॉम्पिटिशन करवाया। आज हम लोग ने तो बच्चों को कोई टीम नहीं, वो बच्चे खुद अपने सोच हिसाब से आपके दिमाग में जो बातें चल रहे हैं, जो समाज में समाज के प्रति जो चल रहे हैं इसकी दृष्टि रख के आप अपना टीम बना के स्वयं ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बना के इस प्रतियोगिता में भाग लेना। आज के सबसे बड़ी बात ये है कि जो बच्चों में मैं आज देखा कि बच्चों में इतनी ज्ञान जो अपने स्वयं से बनाए, जो समाज के प्रति जो हर चीज़ जो नुकसान लाए, जैसे हो गया एक बच्चे ने ऐसा बनाया कि लड़की के प्रति रेप केस जो होते हैं उनको बचाने का, पर्यावरण बचाने का और मोबाइल से जो नुकसान होते हैं उनका दृष्टि, जल से जो नुकसान या फायदा जो होगा ये सब चीज़ें दृष्टि में रख के कि अपने बच्चों लोग अपने हिसाब से बनाएं और ये हमारे लिए मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत लगा, जो सराहनीय बच्चों को मैं जितना भी बोलूँ कम होगा जो उनके बधाई देने की। शिक्षा के प्रति तभी ऐसा समय हो गया कि जो कंपटीशन का समय है सर, हम तो हर महीना ऐसे एक ना एक कॉम्पिटिशन करते रहते बच्चों के प्रति कि कभी जैसे फेस्टिवल के तौर पे जो फेस्टिवल आता है उस फेस्टिवल के हिसाब से हम लोग कॉम्पिटिशन करवाते हैं और आने वाले भविष्य में भी नेक्स्ट होगा भी एक 14 नवंबर जो बाल दिवस के उपलक्ष्य में भी कॉम्पिटिशन होगा जो बच्चों का विभिन्न राष्ट्रों का जो व्यंजन होगा उसका स्टॉल लगाया जाएगा, इसको उद्देश्य रख के हम लोग आगे का कार्य करते हैं। उन स्कूल के बच्चे काफी होनहार होते हैं जहां किताबी शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा एवं अन्य गतिविधियां कराई जाती हैं और ऐसा ही नजारा सरस विद्यालय वृंदानगर कैंप वन में देखने को मिला, जहां के बच्चे किताबी शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेकर खुद को अव्वल साबित कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।